भारत और फ्रांस एक दूसरे के लिए लड़े भी हैं और जिए भी हैं। दोनों देशों ने कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से मुकाबला किया है। यही वो धरती है जहां प्रथम विश्व युद्ध में 9000 भारतीय सैनिकों ने फ्रांस के सैनिक और यहां रहने वाले हर हिंदुस्तानी को ये 9000 का आंकड़ा कभी भूलना नहीं चाहिए। साथियों, हमने फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस की धरती पर भी किया है। हमारी दोस्ती ठोस आदर्शों पर बनी है। दोनों देशों के चरित्र का निर्माण लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के साझा मूल्यों से हुआ। आज अगर भारत और फ्रांस दुनिया के बड़े खतरों से लड़ने में नजदीकी सहयोग कर रहे हैं तो उसका कारण भी यह साझा मूल्य ही है। चाहे वह आतंकवाद हो या फिर क्लाइमेट चेंज, लोकतंत्र के मूल्यों को इन खतरों से बचाने की हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने भली भांति स्वीकारा है। भारत और फ्रांस के संबंधों की दूसरी विशेषता यह है कि हम चुनौतियों का सामना सिर्फ बातों से नहीं ठोस कार्रवाई से करते हैं। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बातें तो बहुत होती हैं, मगर उन पर एक्शन होता हुआ कम दिखता है। हमने और फ्रांस ने साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। आज इसमें करीब दुनिया के 75 देश सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं और क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ऐसा जमीन पर सही मायने में बदलाव ला रहा है। भाई और बहनों, आजकल हम 21वीं सदी के इंफ्रा की बात करते हैं। हर कोई नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा बोलता है, लेकिन यहां मेरा इंफ्रा का मतलब कुछ और है। यहां मैं जब आपके बीच आया हूं, फ्रांस की धरती पर आया हूं, तब मेरा इंफ्रा का मतलब है IN इंडिया के लिए, FRA फ्रांस के लिए, IN प्लस FRA यानी इंडिया और फ्रांस का तालमेल अलायंस इंफ्रा। सोलर इंफ्रा से लेकर सोशल इंफ्रा तक, टेक्निकल इंफ्रा से लेकर स्पेस इंफ्रा तक, डिजिटल इंफ्रा से लेकर डिफेंस इंफ्रा तक, भारत और फ्रांस का अलायंस मजबूती से आगे बढ़ रहा है।